शांति। आज की तारीख है 4/7/23 और आज की ज्ञान मुरली मीठे मीठे भोलानाथ शिव बाबा, हम भोले बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं मीठे बच्चे। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है, प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म फिर प्रजा में ही चले जाते हैं। तुम श्री मत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। नंबर 2 है, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक चेहरे पर दिखाई दे तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।